पूजनीय मातुश्री हीराबा के अक्षरवास से मानो कि एक सुनहरा शतक पूर्ण हुआ है। उनकी पवित्र आत्मा को पूरा एसटीवीपी गुरुकुल परिवार श्रद्धा सुमन अर्पण करता है। एक ऐसी माँ है जिन्होंने श्रेष्ठ राष्ट्र पुरुष को जन्म दिया है, जिनको हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम से पहचानते हैं। भारतवर्ष की जनताओं ने अनेक महापुरुषों, युग पुरुषों, तथागतों, तीर्थंकरों, भगवंतों का जन्म दिया है, जिन्होंने भारतवर्ष को महान बनाया है, और इसका श्रेय ऐसी माताओं को जाता है। मातुश्री हीराबा ऐसे ही एक पवित्र जननी थी। उनका जीवन पवित्र भगवती भागीरथी जैसा था, और वो भागीरथी अपना कार्य पूर्ण करके अब अनंत सागर में लीन हो चुकी है। माँ हीराबा नरेंद्र भाई के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उनकी कोख से प्रकट हुए नरेंद्र भाई ने इस देश को विश्व में श्रेष्ठ बनाया है। ऐसे विजनरी महापुरुष को जन्म देने वाली माता को हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई माता के प्रति अपार श्रद्धावान थे, भक्तिमान थे, तो माँ हीराबाई का जीवन भी वात्सल्य से परिपूर्ण था। माँ हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, और नरेंद्र भाई माँ के आशीर्वाद से इस भारतवर्ष की माँ भारती की सेवा करते रहे। नरेंद्र भाई संवेदनशील राष्ट्र पुरुष हैं। माता की विदाई से उनके दिल में क्या बीतता होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम इतना ही नरेंद्र भाई से कहेंगे, अब हीराबा एक नहीं रहे, करोड़ों भारतवासी जनेताओं के दिल में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया है। विशेष करके हमें एक कहने में गौरव होता है, बड़ी सादगी से, न कोई आटा टोप, न कोई दिखावा, सादगी से माताजी की अंतिम विधि हुई, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई फिर माँ भारती की सेवा में जुड़ गए। भगवान कृष्ण सांदीपनी गुरुकुल में अभ्यास करते थे, उन्होंने गुरु माता से कहा कि माँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी तीन माताएं हैं, एक माँ यशोदा है, बीजी माँ देवकी है, त्रीजी माँ आप गुरु माता है। ठीक वैसे ही हमारे नरेंद्र भाई के लिए एक माँ हीराबा थे और दूसरी माँ माँ भारती है। हीराबा ने माँ भारती की सेवा के लिए ही इस सपूत को जन्म दिया था। अब वो संपूर्ण रूप से माँ भारती की सेवा में लग चुके हैं। हम माता को प्रणाम करते हैं, साथ ही साथ हमारी सारी संवेदना नरेंद्र भाई के साथ है। आइए हम सब मिलकर के माँ हीराबा के पवित्र आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण करें। अस्तु, धन्यवाद, जय भारत।